दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्ते, मैं विश्वजीत सिंह आपको पहाड़ा लिखने की अति सरल विधि बता रहा हूँ, जिसको मैंने अपने पुत्र के नाम पे अनिवार्य सूत्र लिखा है। आज 16 जनवरी 2020 का दिन है, जिस समय है कि 1 से 14 तक का पहाड़ा लिखना। इसके लिए बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये गिनती है। आगे फिर हमें ही करना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। ये 1 से लेके 14 तक पहाड़ा है। हमें करना क्या है कि हमें बस जोड़ना आना चाहिए। 1 के अंतर पे श्रृंखला बनाना, 2 के अंतर पे, 3 के अंतर पे, 4 के अंतर पे, 5 के अंतर पे श्रृंखला बनाना हमें आना चाहिए। अब जैसे दूसरी लाइन है, इसमें बस हमें दो दो जोड़ते हुए चले जाना है। 2 जोड़ा 4, 2 जोड़ा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। 14 दूना 28 होता है, 13 दूना 26 होता है, 12 दूना 24 होता है, कहीं कोई गलती नहीं है। तीसरी पंक्ति में हमें सब में 3 जोड़ते हुए चले जाना है। 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 और 42। चौथी लाइन में हम 4 जोड़ते हुए श्रेणी बनाएंगे, 4, 8, 12, 16, 20, इसी तरह हम चले जाएंगे 14वीं तक पंक्ति तक। पाँचवीं में हम 5 जोड़ते हुए सीरीज बनाएंगे, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। छठवीं में हम 6 जोड़ेंगे, 6 के अंतर पे, 6, 6, 12, 6 जोड़ा 18, 6 जोड़ा 24, 6 जोड़ा 30, 36, इसी तरह 6 जोड़ते हुए हम चले जाएंगे यहाँ तक। सातवीं में 7 जोड़ते हुए, 7, 7, 14, 7, 21, 7, 28, 7, 35, 7, 42। यहाँ तक आपको लगता होगा ये तो रटा रटाया पहाड़ है जो बड़ी सरलता से लिख दिया गया है, लेकिन अब ये समझाने के लिए यह है कि इसमें बस करना क्या है कि पहली पंक्ति में 1 जोड़ना है, दूसरी में 2, नवीं में 9, दसवीं में 10। यहाँ तक तो बहुत सरल है, क्योंकि हमें 20 तक पहाड़ा बहुत सरलता से आता है। लेकिन कठिनाई तब होती है जब हम जहाँ से हमारे रटने की सीमा समाप्त हो जाती है और तब समझने की सीमा आती है कि हम बिना रटे कैसे लिख लें पहाड़े को। तो उसमें अब आप देखिए इस सूत्र की उपयोगिता यहाँ सिद्ध होगी। जैसे 29 का पहाड़ा है, हमने 29 के बस इसको शुरू के बस एक पहाड़ा आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। किसी तरह जी मर के आप एक पहाड़ा लिख दीजिए, इसके आगे का पहाड़ा बहुत सरलता से लिख सकते हैं, पहाड़ों का पहाड़ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी 29 का पहाड़ा है, 29, 29, 58, 29, 87, 29, 104, 29, 45, 29, 76, 174, 29, 132, 29, 132, 132, 132, 192, 190। ये आपको हो सका, हमने तो कैलकुलेटर की सहायता से लिखा है, हमें याद नहीं है। अब यहाँ पे ये करना है कि बस 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 तक का पहाड़ा हम लिख देंगे। करना क्या बस ये, अब 58, 2 जोड़ा 60, फिर 2 जोड़ा 62, 64, 66, 68, 68, 70, 72, 74, 76, 78 जोड़ते इसी तरह चल ले जाए जहाँ तक ले जा सकते हैं वहाँ तक। तीसरे बार पंक्ति में हमें 3 जोड़ा 87, 3 90, 93, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111 इस तरह जोड़ते चले जाएंगे। चौथी वाली में 4 की सीरीज बनाने में 20, 24, 28, 32 इस तरह हम चले जाएंगे। पाँचवीं वाली में 145 है, फिर 50, 55, 60, 65 पाँच बार जोड़ते हुए हम सीरीज बना श्रृंखला एक बना देंगे। छठी में 6 जोड़ते हुए 74, 86, 88, 96। में 7 जोड़ेंगे, 203 है तो 7 जोड़ेंगे 210, फिर 217, 224, 231, 229। नवीं है 261 आ रहा है, 29, 9, 261। अभी एक तो उसमें 9 जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा, फिर 9 जोड़ेंगे 279, 88, 97, 306, 315, 324। ये है। अब ये 43 से 56 तक का पहाड़ा जब हम लिख रहे हैं, तब देखिए 43 का पहाड़ा लिख दिया और फिर 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 तक पहाड़ा कुछ नहीं करना है आपको, बस जोड़ना आना चाहिए। 1 के अंतर पे, 2 के अंतर पे, 3 के अंतर पे अब अगर संख्याएं लिख सकते हैं जल्दी जल्दी में तो आप बहुत सरलता से इस पहाड़े को पूरा कर सकते हैं। वैसे अगर इसको याद करके लिखना हो या गुणा करके लिखना हो तो बहुत समय लगेगा आपका। बस 86, 88, 90, 92, 94, 96, बस 2 जोड़ते दूसरी लाइन में। तीसरी पंक्ति में 3 जोड़े 29 है, 129 है, 3 32, 3 35, 3 38, 3 44, 44, 47, 50 इस तरह चला जाएगा। चौथी में 4 जोड़ते हुए चल गए, 5वीं में 5, 6वीं में 6 जोड़िए, 7वीं में 7 के अंतर पर 301, 7,
आठ, 308, 315, 322, 329, आठवीं में चार जोड़ते हुए जाए, आठ जोड़ते हुए जाए, 344, 352, 360, 368, नवीं में जो है नौ जोड़ेंगे, दसवीं में दस जोड़ते हुए जाएंगे 423। तो बहुत सरल है ये वाला। तो इस तरह आप हमारी विधि से पहाड़ों का पहाड़ लिख सकते हैं, टेबल ऑफ टेबल्स। और हमारे पुत्र की महती इच्छा है कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारी इच्छा है हिंदी में कि आप इसको अग्रसारित करें और इसमें रुचि लें।